जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है भाई, ये समझ लीजिए कि पेपर चुरा के आया है। ये मान चलिए पेपर मेरे भाई लगातार पूछता है, कई बार आया हो क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर देना तो वीडियो को अंत देना, क्योंकि ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल है मेरे भाई। आप देख सकते हैं स्वयं मेरे भाई का लिखा है 2025 भौतिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 346 FW का है मेरे भाई। क्या लिखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। नोट क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित है। निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, तो मेरे भाई इसको पूरा देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे अभी, सब कुछ बताएंगे, है ना। आसान लिखा रहेगा मेरे भाई इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे एम्पीयर इनवर्स। ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र मात्रक होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात का हो गया, अब खा नंबर देखिए, खा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि नाभिक है ना 13 AL है ना 27 की त्रिज्या 3.6 फार्मी हो तब नावन टी 125 की त्रिज्या होगी, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक मेरे भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि 3 ही महीना बचा है मेरे भाई, है ना। बाकी कमेंट कर देना है कि कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब केमिस्ट्री की परिभाषा चाहिए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल चाहिए, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल चाहिए, कमेंट तो करो यार, पर डे वीडियो आती रहती है। ठीक मेरे भाई, खा नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम पर पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण। कोई भी पूछता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम पर नियम का पालन करता है, तो क्या बोलोगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नंबर वही था मेरे भाई, है ना। घ नंबर क्या लिखा है कि यदि किसी LCR परिपथ में V1, VR, VC तथा V0 है ना V0 क्रमशः प्रेरकत्व कामा प्रतिरोध कामा संधारित्र और स्रोतों में लगे AC वोल्टमीटर का पाठ्यांक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, ये घ नंबर हो गया। अब बात करते हैं अंगा नंबर को संख्या है कि निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है। आपको ये बताना है कौन सा किरण आरेख सही है, जहाँ N1 माध्यम तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर मेरे भाई ना, इसका आंसर आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, काम है प्रकाश। ठीक, तो देखता हूँ कौन बता पाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा काम, है ना, क्योंकि पेपर का समय बहुत निकट है मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, 4 नंबर ये लिखा है कि समान पदार्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा L और 3L है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, तो इसका आंसर मेरे भाई पहला हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब बात करते हैं खंड बा का कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला नंबर क्या लिखा है, बात करते हैं खंड बा क्या लिखा है, खंड बा के दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा, दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा, ये रहा आपका मेरे भाई क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन आपका R/V/I से लगेगा, मतलब ये न्यूमेरिकल है 2 या 1 नंबर का। ठीक, बहुविकल्पी है मेरे भाई, इसको लगा लेना, खंड बा का वही क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, देख सकते हो इसमें पूरा दिख गया ना, तो ये आपका R/V/I से लगेगा या फिर आपका वो किरचॉफ के नियम से लगेगा। ठीक, बंद पास से, मतलब इसको लगा लेना, अगर बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट किस लिए बनाना, कमेंट करके बताओ, अगली वीडियोज के लिए नेक्स्ट अलग से आ जाएगी। ठीक, चिंता न करिए, बहुत आसान सवाल है। ठीक मेरे भाई, फिर क्या लिखा है, खा नंबर क्या है, दूसरे का खा नंबर, लेंस का नियम क्या होता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ओरिजिनल पेपर में बता रहा हूँ, ये जो पेपर आप देख रहे हो ना, ये पेपर मान चलिए इसी में से पूछा जाएगा, ये पेपर बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है मेरे भाई है। ठीक, सरकारी टीचर द्वारा दिया गया है, मैं है ना मेरे भाई। फिर 11 नंबर क्या लिखा है कि पीएन संधि में अवक्षेप परत से क्या तात्पर्य है, पीएन संधि में अवक्षेप परत से क्या तात्पर्य है, उसको समझाइए, ये भी एक परिभाषा है। इसका मैंने सर आंसर परिभाषाएं मैंने आंसर बता दिया है, तुम लोग करने मेरे बेकार हो यार, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा ना, तो प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक, या फिर आप लिंक पा सकते हो नीचे। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तनांक कोण ज्ञात कीजिए, जबकि अपवर्तन कोण कितना है 60 अंश, अपवर्तन कोण 60 अंश हो तब इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 = 510 nanotesla है, ये भी आपको तय कर लेना है मेरे भाई, है ना। क्या लिखा है, वही 11 नंबर क्वेश्चन है ना, V0 = 510 nanotesla, है ना, क्या लिखा है, nanotesla NT मतलब वही nanotesla है, तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, तो वही क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। ये सब सारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, परिभाषा है, आपको एक कमेंट चीज़ ये करना है किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल की वीडियो बनाया जाए क्या। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं, चलिए क्या लिखा है,
ठीक है। फिर करते हैं खंडसा पे आ जाइए। खंडसा का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है मेरा, एक ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा बैंड का जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट लेसन का है, फिजिक्स के सबसे लास्ट लेसन क्वेश्चन है, सबसे लास्ट लेसन मतलब सबसे लास्ट चैप्टर वाला फिजिक्स के। मेरे भाई खा नंबर क्या लिखा है, रदरफोर्ड में एक रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग में निष्कर्ष बताइए। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे लास्ट लेसन का है फिजिक्स के अंतर्गत, समझ रहे हो ना मेरे भाई, ये सबसे लास्ट चैप्टर का है, वहाँ से मिलेगा जो रदरफोर्ड वाला है। गा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान प्राप्त हो तब दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी जो समान हो, ये भी क्वेश्चन लास्ट लेसन का है। तो इन सबको अच्छे से तैयार करना है। बाकी कैसे वीडियो चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, परिभाषा चाहिए, नियम पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी करते चलिए क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं। बाकी हम केमिस्ट्री पर भी वीडियो लाने वाले हैं, ठीक, ऐसे ओरिजिनल पेपर का, निश्चिंत रहिए आप लोग। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बैटरी में 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रभावित की जाती है। एक कोई बैटरी है जिसमें 4 ओम के प्रतिरोध धारा प्रभावित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 प्रतिरोध में, क्या लिखा है, 9 प्रतिरोध में धारा प्रभावित करने में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक। दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा लेसन से है ये, पाँचवें छठे चैप्टर से होगा, ठीक, तैयार कर लेना, आपको मिल जाएगा। खंडदाम आ जाइए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि का क्या लिखा है, का नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेश को तथा आर फिर ब्रैकेट में आर हेलन रेसिडेंट आर त्रिज्याओं के 2 संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, उनके उभनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक, तो हैं वितरित कीजिए कि ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, उनके उभनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो वही है, ठीक मेरे भाई। खाना का क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इन तरंगों के 2 अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके 2 तरंगों के अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। गा नंबर तो मेरे भाई बादशाह है क्वेश्चन, बायो सेवर्ट के नियम क्या है, बायो सेवर्ट नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से एक वामावृत्ति धारा लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक, वही तो लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए, ये भी तैयार करना है। अब ये समझ लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, इन लोग को तो आप तैयार ही करिए प्लस और आपको याद कर लेना, ठीक, बाकी कोई दिक्कत है तो बताते जाइए। घन नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के में उत्सर्जित प्रोटॉन या फोटो लिखा है ना, फोटॉन लिखा रहेगा क्वेश्चन में, जब अगला मतलब प्रिंट आउट गलत हो गया है, बाकी आपको अच्छा से लिखा रहेगा फोटॉन, अगर फोटो भी लिखा है समझ आना कि फोटॉन ही है, ठीक, कभी कभी पेपर में फोटो लिखा रहता है, कोई चीज़ गलत लिखा रहता है तो उसे समझ लेना चाहिए, ठीक। फोटॉन इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति वी के बीच ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, ठीक, ग्राफ प्रदर्शित करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, वही क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो, वही फोटो लिखा है, फोटॉन नहीं लिखा, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के है तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति वी के बीच ग्राफ कीजिए, ठीक, यही आपका ग्राफ है ना, इससे आपको सवाल लगाना, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है भाई, ध्यान से देखना है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, आपको ये दिया जाएगा कि देहली आवृत्ति याद कीजिए, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति को समझाइए, है ना, तो ये परिभाषित है, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य फलन फाई का मान ई वी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, जो फाई का मान है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझो या ना समझो तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, बाकी निश्चिंत रहिए, आपको एक्स्ट्रा वीडियो और अलग आएगी उसके बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। तीसरा नंबर क्या है, प्लांक नेतान एच ज्ञात कीजिए, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो मेरा कहना समझ गए हैं, अगर अब आपको कोई प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, है ना, क्योंकि आपका अपना भाई किस लिए है, और निश्चिंत रहे कल आपको वीडियो आएगी जो न्यूमेरिकल पर केमिस्ट्री के कम से कम 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल केमिस्ट्री पर आएगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आशा करता हूं वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।